कल तक हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा था, एटॉमिक मास, मोलर मास एंड ऑल दैट, ये चीजें हम कर चुके थे, मोलर मास, एटॉमिक मास एंड ऑल दैट, मोल कंसेप्ट। अभी हम जो कर रहे हैं वो इम्पीरिकल फॉर्मूला करने वाले हैं। इम्पीरिकल फॉर्मूला, जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, यू ऑल आर फैमिलियर विद मोलिकुलर फॉर्मूला। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है एक्स, उस कंपाउंड एक्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, लेट्स सपोज वो रेशियो है 1:1:3। एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो है 1:3, तो क्या आप मुझे बता सकते हो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? इज देयर एनीवन हु कैन गिव मी द नेम ऑफ फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड इन कमेंट सेशन, इन द कमेंट सेशन? आप में से कोई बचा कमेंट सेशन में? H12। कितना कितना दोबारा बोलो कि क्या है, दोबारा बोलो, मैं सुना नहीं। 4H12। C4H12। ओके, कोई और बच्चे इसके अलावा आंसर देना चाहते हैं प्लीज आप दे सकते हो, एनीवन। इफ द रेशियो ऑफ द कार्बन एंड द हाइड्रोजन इन ए कंपाउंड इज 1:3, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड? ये तो रेशियो है ना, दिस इज द रेशियो एंड आई एम आस्किंग फॉर्मूला। तो एक बच्चे ने फॉर्मूला बताया C4H12, कोई और इसके अलावा फॉर्मूला बताना चाहता है कि यही आंसर है सबका? ये सबको भी यही लगता है CH3। ओके CH3, गुड गुड। एनी अदर स्टूडेंट हु वांट्स टू से एनीथिंग एल्स? देखो जितना पार्टिसिपेट करोगे आप सीखोगे, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई टू गिव योर आंसर, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग डजंट मैटर, बट आप सभी आंसर जरूर दें, आप सभी आंसर जरूर दें, सही या गलत मैटर नहीं। हाँ जी, और कोई बच्चा? इसका जो राइट आंसर है वो अभी तक श्योर नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि जब रेशियो दिया होता है, फॉर्मूला है वो C1H3 भी हो सकता है, C2H6 भी हो सकता है, C3H9 भी हो सकता है, C4H12 भी हो सकता है, C5H15 भी हो सकता है, many more. Because अगर आपको रेशो गिवन है ना, तो उस रेशो सब एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। रेशो तो कुछ भी ले सकते, आप C100 हो, H300 हो, वो भी 1:3 है, तो रेशो से आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब क्या है, जब हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी उसके कंपोनेंट होते हैं, जो भी उसके क्या होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स का रेशियो गिवन होता है, व्हेन देयर इज अ रेशियो इज गिवन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, वो रेशियो कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कंसीडर ए कंपाउंड इन विच कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एंड द रेशियो इज 1:2:1। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 1:2:1, बताओ फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ से जो रेशियो से फॉर्मूला बनेगा ना, वो इम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, जो आपको बेसिकली रेशियो से बनता है, रेशियो जिससे आपको रेशियो बताएगा कि फॉर्मूला कुछ ही बने, कार्बन की संख्या से डबल होगी हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या कार्बन की संख्या के इक्वल होगी। ये एक इंफॉर्मेशन मिलती है उससे, और कुछ नहीं मिलता, मतलब ज्यादा और इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाओगे, बस ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी, वो इम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो अब आप सबको क्लियर हो गया कि जो इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो सिर्फ आपको एक रेशियो देता है कि जो जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, व्हाटएवर इज प्रेजेंट, व्हाट आर देयर रेशियो, और उस रेशियो से जो मास निकल कर आएगा, उस मास को बोलते हैं इंपेरिकल मास। इंपेरिकल फॉर्मूले से जो मास निकल कर आता है उसको बोलते हैं इंपेरिकल मास। और जो आपने फॉर्मूले अब तक पढ़े हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो आप बोल दोगे H2O, तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। व्हेन यू गेट द एग्जैक्ट फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अभी तक आपने जितने फॉर्मूले बनाए हैं 10th तक, वो सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले थे जो एग्जैक्ट होते थे, लाइक CO2, कार्बन एंड ऑक्सीजन का एग्जैक्ट फॉर्मूला वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप जब मास निकालते हो उसका बोलते हो मॉलिक्यूलर मास। बट अभी आप क्या बनाओगे, इंपेरिकल फॉर्मूला, मींस आप क्या बनाओगे, रेशियो, कंपोनेंट्स की रेशियो, और वहां से जो मास निकलेगा उसको बोलोगे इंपेरिकल मास। तो आई होप आप सबको एक चीज क्लियर होगी, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज इंपेरिकल मास। ठीक है, तो इंपेरिकल मास को आपने सिंपल वे में क्या समझा,
तो पहले आपने इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा, इंपेरिकल फॉर्मूला इज द रेशियो, इज द रेशियो, रेशियो ऑफ व्हाट, इट इज अ रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड. जो भी आपका कंपाउंड दे रखा है उसमें जितने कंपोनेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, उसमें उनकी रेशियोज को बताने वाले को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला. और इंपेरिकल फॉर्मूला से जो मास बनेगा, मीन्स द मास कैलकुलेटेड, जो भी हम मास कैलकुलेट करते हैं किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला. इंपेरिकल फॉर्मूला के बेस पे जो हम मासेज निकालते हैं इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इंपेरिकल मास. उसको बोला जाता है इंपेरिकल मास. इंपेरिकल फॉर्मूले से जो रेशियो निकल कर आती है उसको बोलते हैं इंपेरिकल मास. मतलब जो मास निकलेगा वो इंपेरिकल मास है. तो अब इसको करना कैसे, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसको सिखाता हूँ. सबसे पहले एक मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूँ, ट्राई करना. इसमें हमें क्या दिया जाता है, परसेंटेज कंपोजिशन हमें यहाँ पे दी जाती है, परसेंटेज कंपोजिशन. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास एक फॉर्मूला है H2O, आपके पास एक फॉर्मूला है H2O, और व्हाट इज द क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज, कितने परसेंटेज में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन का मास लिख दोगे ऊपर, कितना है हाइड्रोजन का मास यहाँ पे, 1 × 2 है, अपॉन में टोटल कितना वाटर का 18 मल्टीप्लाई 100. तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा, कुछ भी आंसर आएगा, आई थिंक 11 point something कुछ होगा आंसर, 11 point something मान लेते हैं फिलहाल के लिए मान लेते हैं 11.5 है, लेट्स सपोज. पता नहीं ये राइट आंसर है भी है कि नहीं, मैं फिर भी देख लेता हूँ, कैलकुलेट कर ही देता हूँ. इसका जो आंसर आएगा वो आपका करोगे 200 / 18, तो आपका आंसर आ रहा है 11.11. आपका आंसर आ रहा है 11.11. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास कितना, जिसमें टोटल 16 अपॉन में 18 मल्टीप्लाई 100, वैसे ही परसेंटेज है. तो आप क्या कर सकते हो, इस परसेंटेज में से 100 में से माइनस कर सकते हो इस परसेंटेज को, क्योंकि टोटल तो 100, तो वो आ जाएगा कुछ आपका 88.89. तो ये जो कंपोजिशन है ये आगे क्या, कार्बन हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, कि अगर हमारे पास जब भी वाटर दिया जाएगा उसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट होगा, 11.11%, ऑक्सीजन कितनी होगी, 88.89%. तो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन है. लेकिन ये कंपोजिशन कैसे निकाल पाए, जब हमारे पास फॉर्मूला गिवन था, जब हमारे पास क्या गिवन था, फॉर्मूला. अगर मैं आपको वाटर का फॉर्मूला देता हूँ तभी तो आप बता पाओगे ना कि हाइड्रोजन 11.11% है और इसमें ऑक्सीजन 88.89% है, जब आपके पास क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. जब आपके पास क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तभी आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हो कि भैया हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ठीक है. बट अगर आपके पास फॉर्मूला ना दूं, अगर आपको फॉर्मूला ना दूं, सीधा ही परसेंटेज दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, नहीं पता लगे तो प्लीज पूछ लेना. मान लो एक न्यूमेरिकल है, उसमें नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है 30.43%, ठीक है. ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 69.57%. और पूछ लेता हूँ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब परसेंटेज दे रखी है, क्या इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल पाओगे, तो आप बोलोगे जी ऐसे तो नहीं निकलेगा, ऐसे तो नहीं निकल पाएगा. अगर हमारे पास सिर्फ परसेंटेज दी जाए कि ये कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन 30% के लगभग है, ऑक्सीजन 70% के लगभग है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा. तो उसको निकालने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी इंपेरिकल फॉर्मूला की. मतलब इस परसेंटेज से अगर आपको फॉर्मूले तक जाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक जाना है, तो आप किसकी हेल्प लोगे, आप लोगे इंपेरिकल फॉर्मूले की हेल्प. तो ये हेल्प करता है इंपेरिकल फॉर्मूला, जो आपको परसेंटेज जो होती है उस परसेंटेज से रेशो दे देता है, क्या दे देता है, रेशो, और उस रेशो से निकल जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो ये फायदा है इंपेरिकल फॉर्मूला का, जो आपको परसेंटेज से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने में हेल्प करता है. अगर आपको सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है फिर तो आप परसेंटेज निकाल लोगे, जैसे पीछे आपने हाइड्रोजन की ऑक्सीजन निकाली है,
आपने पीछे हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकाली जब आपको फॉर्मूला गिवन था। अगर आपको फॉर्मूला गिवन ना हो, अगर आपको फॉर्मूला गिवन ना हो तो आप ये परसेंटेज भी नहीं निकाल सकते। बट यहाँ पे क्या है, परसेंटेज गिवन है और फॉर्मूला निकालना है, तो आप यहाँ पे किसको यूज करोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला को यूज करोगे, जो बेसिकली क्या होता है, एक रेशियो होता है। आई होप सारे बच्चों को ये चीज तो क्लियर होगी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एक रेशियो देता है दिए हुए कंपोनेंट्स की, किसकी हेल्प से, उनकी परसेंटेज की हेल्प से। हाँ जी, यस प्लीज पूछो। यस सर, आपने एनोवल नाइट्रोजन ऑक्सीजन का आपने एग्जांपल दिया था सर, तो उसमें कंपाउंड तो काफी बनते हैं, NO2 बन गया, NO बन गया, N2। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको परसेंटेज गिवन है, उस परसेंटेज से आप एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं निकाल सकते फिलहाल। NO भी है, NO2 भी है, N2O3, मैनी मोर, आपने बिल्कुल सही बोला। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे हमें हेल्प करेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैसे करेगा वो भी सिखाता हूँ। यही आज के न्यूमेरिकल का मेन थीम है। तो अभी तक हमने पिछले 10 मिनट में सिर्फ यही सीखा है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है, रेशियो होती है कंपोनेंट्स की, और वो हमें हेल्प क्या करता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालने में हेल्प करता है। अकेला एम्पिरिकल से कुछ नहीं होगा, उसके रेशियो को यूज करके हम फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो अब सीखने वाले हैं, वो अब सीखने वाले हैं। देखो जरा, अब आपको रेशियो गिवन थी, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, आप सभी ध्यान से देखने। तो यहाँ पे तो आपने लिख दिया ऊपर एलिमेंट्स, यहाँ लिखोगे उनकी परसेंटेज। ये आपको दिया होगा, ये आपको दिया होगा, ऊपर आपने एलिमेंट्स लिखे जो भी होंगे। अभी मैं दो वाला दिया है, तीन वाला भी हो सकता है। यहाँ पे क्या दे रखी है, उसकी परसेंटेज। यहाँ पे आप क्या निकालोगे, उसके मोल्स। अब आप कहोगे मोल्स ऑफ एटम, मोल्स ऑफ एटम का मतलब बेसिकली आपने उसका क्या लिखना है, एटॉमिक मास लिखना है। यहाँ पे क्या लिख लो आप, उसका एटॉमिक मास, यहाँ पे लिखो एटॉमिक मास। फिर आप निकालोगे एटॉमिक रेशियो, फिर आप क्या निकालोगे, एटॉमिक रेशियो, और लास्ट में बनाओगे सिंपलेस्ट रेशियो। फिर आप लास्ट में बनाओगे सिंपलेस्ट रेशियो। अब देखो करना कैसे है, सभी को पता है यार नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14। सबको पता है ऑक्सीजन कितना, 16। यहां तक आपको दे रखा होगा, एलिमेंट्स दे रखे होंगे, उनकी परसेंटेज दे रखी होगी, ये आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक मास कितना है वो आपको पता है, बेसिक कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये आपको पता ही है। अब एटॉमिक रेशियो कैसे बनती है, जो परसेंटेज आपको गिवन है, जो परसेंटेज आपको गिवन है उसको डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से, उसको डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से। जैसे 69.57 को डिवाइड करेंगे 16 से, और 30.43 को डिवाइड करेंगे 14 से। तो जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपका आंसर कुछ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2.17 और यहाँ पे कितना आएगा 4.35। ठीक है, ये डिवाइड करके आपका आंसर बन जाएगा सही बच्चों का। अब खास बात क्या है, जो एटॉमिक रेशियो सबसे छोटी होगी, जो एटॉमिक रेशियो सबसे छोटी होगी उससे सबको डिवाइड करो। अब आपको पता है 2.17 है, नीचे 4.37 है, तो आप 2.17 से ही सबको डिवाइड करो, सबको मतलब दोनों को, ऊपर वाले को तो करोगे और नीचे वाले को भी करोगे उसी से डिवाइड, जो सबसे छोटा है। छोटा ये था, अगर बाय चांस ये छोटा होता 1.35 होता बाय चांस 4G का, तो फिर 1.35 से कर रहे होते, तो ये तो काट के पूरा पूरा 1 आ जाएगा। इसको काट के अगर आप ध्यान से देखो, 2 का डबल 4 होता है और 17 का डबल 34 होता है, लेकिन ये 35 है, तो अप्रोक्सीमेट 2 के लगभग है। देखो सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब आप यहाँ अप्रोक्सीमेट करोगे, यहाँ पे क्या करोगे अप्रोक्सीमेट। तो आपको पता चल गया कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 1:2। तो आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1:2 वाला, मतलब ये तो होगा रेशियो। यहाँ से आपका क्या फॉर्मूला आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया और वो आ गया नाइट्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 2। ये सिर्फ फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब रेशियो है। हो सकता है इसका आंसर N2O4 हो, N3O6 हो, N10O20 हो, N100O200 हो। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। और इस क्वेश्चन के अंदर अभी तक आपको सिर्फ क्या निकालना था, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आपको ध्यान से देखो, अब आप मुझे निकाल के दिखाओ इसका एम्पिरिकल मास। आप सारे बच्चे एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकाल के बताओ एम्पिरिकल मास। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे जी नाइट्रोजन का तो 14 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन उसके नंबर आइटम है 2, तो सोल्व करके कितना आ गया, यहाँ से सोल्व करके आ गया 46। ये आ गया इसका एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल रेशियो से जो मास है वो आ गया क्या आपका एम्पिरिकल मास। आई होप एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको पता चल गया, एम्पिरिकल मास आपको पता चल गया। उसके बाद आपको मोलर मास गिवन होगा इस क्वेश्चन के अंदर, आपको मोलिकुलर मास ऑलरेडी गिवन ही होगा, और इसमें भी आपको मोलिकुलर मास या मोलर मास गिवन था, वो कितना गिवन था आपको, दैट इज 92। फिर आप निकालते हो एन फैक्टर, जो रेशियो को मल्टीप्लाई करता है एन, वो कैसे निकालते हो,
कि जो आपका मॉलिक्यूलर मास है उसको आप ऊपर रखो, जो आपको गिवन होगा, यही आपको न्यूमेरिकल में गिवन था 92, और जो आपने फाइंड किया 46 एम्पिरिकल मास, उसको नीचे रखो। और आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो व्हेन 92 इज डिवाइडेड बाय 46, तो आपका आंसर आता है 2, मतलब एन आगे 2। एन क्या होता है बेसिकली, एन वो फैक्टर होता है जिसको एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट फॉर्मूला निकाला जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट फॉर्मूला निकाला जाता है। तो एन आपका 2 है, और जो फॉर्मूला था एम्पिरिकल वो था 1:2, मतलब एन ओ 2 जब मल्टीप्लाई होता है एन फैक्टर से तो बन जाता है N2O4। तो कहने का मतलब क्या है, जो कंपाउंड आपको गिवन था उसका फॉर्मूला था N2O4। ये कौन सा फॉर्मूला, इसका एग्जैक्ट मोलिकुलर फॉर्मूला, ये है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। तो पहले आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला, एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल मास निकाला, फिर एन फैक्टर निकाला, उस एन फैक्टर से एम्पिरिकल को जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपका निकलता है मोलिकुलर फॉर्मूला। आई होप सभी को कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा इसी जैसा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। और यस प्लीज बोलो बोलो सर, जो मॉलिक्यूलर मास है वो दिया ही होगा, अगर नहीं दिया होगा तो यस 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 ऐसा नहीं होगा। फिर आपको सिर्फ, अगर नहीं दिया होगा तो आपको सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछेगा, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पूछेगा, है ना। अगर आपको दूध देगा तभी आपसे चाय बनवाएगा, अगर दूध नहीं दिया तो आपसे चाय भी नहीं बनवाएगा, ठीक है। तो ऐसा है, तो सिर्फ आपसे तो ऐसा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना, आप सभी ट्राई करना। मान लो आपको एलिमेंट्स में गिवन दे रहा हूँ, आप सभी ध्यान से करना, नहीं आएगा मैं सिखाऊंगा, तो प्लीज ध्यान से कोशिश जरूर करना। आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आपको इनकी परसेंटेज भी गिवन है। कार्बन की गिवन है 54.2, हाइड्रोजन की गिवन है 9.2। अगर ऑक्सीजन की ना दी होती, मान लो ऑक्सीजन की ना दी होती, तो आप क्या करते हैं, 100 में से कार्बन को माइनस कर दो, कार्बन और हाइड्रोजन को प्लस करके 100 में माइनस कर दो, वो ऑक्सीजन की आ जाएगी, और ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी, 36.6, ठीक है। अब निकालना है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास यहां तक आपको गिवन है, यहां तक सब कुछ गिवन है आपको, इसके बाद आपका सोल्व करने का प्रोसेस शुरू होता है। आपको पता है इसका 12 होता है, इसका 1 है, इसका 16 है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, बता देता हूँ इस क्वेश्चन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, दैट इज 88 है। आपको n फैक्टर निकालना है, वो कैसे निकालोगे आप, पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाओ, फिर एम्पिरिकल मास निकालो, और मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड कर दो। सारे बच्चे एक बार कोशिश करो, आपको आएगा, नहीं आएगा तो आई विल टेल यू, तो क्लास को लीव करने की जरूरत नहीं है, और कोशिश करना जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्या निकालो यहाँ से, एटॉमिक रेशियो। और वो कैसे निकालोगे, आपको पता है एटॉमिक रेशियो कैसे निकालोगे, जो आपको परसेंटेज गिवन है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। सारे बच्चे अपने अपने नोटबुक में, सारे करेंगे अपने अपने नोटबुक में सभी बच्चे, और जो आंसर आएगा वो बताओ। आप चाहे तो इसको एक टेबल बना के सोल्व कर सकते हो, ऐसे टेबल बना के ना, लाइन मार के टेबल है आपकी बुक में, ऐसी आपको टेबल बना के सोल्व किया हुआ दिखेगा। ट्राई करें सभी। तो जब आपने 54.2 को 12 से डिवाइड करोगे तो शायद आपका अप्रोक्सीमेट आंसर 4.5 बन रहा होगा सभी का, आई गेस। 9.2 को करोगे तो 9.2 ही रहेगा, और ये कितना जाएगा, 2.29 बनेगा राउंड ऑफ में, ठीक है। अब खास बात ये है कि जो सबसे छोटा होता है उसी से सबको डिवाइड करता है, और वो आपका बना देता है एटॉमिक रेशियो। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एटॉमिक रेशियो, मीन्स 4.5 को भी 2.29 से डिवाइड करो, 9.2 को भी 2.29 से मल्टी डिवाइड करो,
और 2.29 को तो 2.29 से डिवाइड करना ही है, करना ही है, ठीक है। तो जब पहले को डिवाइड करोगे तो लगभग ये 2 का डबल है 4 और ये 50 है ना, लगभग हाँ, तो लगभग लगभग 2 बन रहा है, वो अप्रोक्सीमेटली 2 बन रहा है, और इसको करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 बनेगा ही बनेगा, और ये क्या बनेगा, अप्रोक्सीमेटली 1, अप्रोक्सीमेटली क्या, तो एग्जैक्ट 1 है, ये एग्जैक्ट 1 है। तो ये आपका रेशियो आ गई, मींस व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज 2:4:1। और जो रेशियो से फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूले को आपने क्या कहना शुरू कर दिया, यू आर सेइंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, यू आर सेइंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, दिस इज योर C2H4O1। फ्रॉम इम्पेरिकल फॉर्मूला जस्ट फाइंड इम्पेरिकल मास। सही बच्चे इम्पेरिकल मास निकाल लें और कमेंट में जरूर पोस्ट करें आपका इम्पेरिकल मास कितना आ रहा है, आपका इम्पेरिकल मास आप कमेंट सेशन में पोस्ट कर सकते हो और उसके बाद आप निकाल सकते हो एन फैक्टर। जस्ट फाइंड योर इम्पेरिकल मास फ्रॉम इम्पेरिकल, इट्स योर 44, एग्जैक्टली इट्स 44। नाउ यू हैव टू फाइंड द एन फैक्टर एंड इट इज इक्वल टू मोलर मास या मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इम्पेरिकल मास। Molar mass given to you, that was 88. Empirically, that is 44 and comes out to be n is 2. अब इस n factor से multiply करना है, किसको n factor से multiply करना है, empirical formula को। Means अगर आप इसको इससे multiply करोगे तो आपका जो exact formula आएगा, that is C2 से multiply का मतलब carbon will be 4O2. This is the exact molecular formula. ये exact formula है, ratio नहीं है, ये formula है। आई होप सभी को ये चीज क्लियर हो रही होगी कैसे करा जाता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, सारे बच्चे अपनी ईमानदारी से अब करेंगे, सारे बच्चे, सभी बच्चे करेंगे, जगजीवन, एकम, सुखराज, जुगेश, सारे बच्चे, तो वो कैसे करना है, आपके सामने क्वेश्चन है, मैग्नीशियम इज गिवन टू यू। सभी बच्चे ट्राई करना प्लीज, सभी नहीं आएगा तो पूछ लेना, लेकिन करना खुद से ईमानदारी से। ये आपके एलिमेंट्स गिवन है, मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। फिर आपको गिवन है परसेंटेज कितनी, 26.66 एंड 53.33। और उसके बाद आप क्या निकालोगे, एटॉमिक मास, वो आपको पता है। फिर आप क्या निकालोगे, एटॉमिक रेशियो, वो आपको मैंने सिखा दी। और फिर आप बनाओगे उसकी सिंपलेस्ट रेशियो, फिर आप बनाओगे उसकी सिंपलेस्ट रेशियो। और यहाँ पे जो उसका मोलिकुलर मास गिवन है, वो गिवन है 120, जो मोलर मास गिवन है ना वो 120 है। थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, आई होप मेरी आवाज अब तक आ रही होगी, आप सभी तक मेरी आवाज आ रही होगी, आई होप सो। यस, जस्ट फाइंड द एन इफ यू कैन ऑल। हाँ, थोड़ा लाइट चली गई थी, नेट रुक गया था, तो आई होप सबको मेरी आवाज आ रही है, सबको दिख रहा है कि आपको गिवन है क्वेश्चन में सब कुछ, परसेंटेज इज गिवन टू यू, यू नो एटॉमिक मास इज ईच एंड एवरी, यू हैव टू फाइंड दिस थिंग्स। प्लीज सभी को ट्राई करना, बीच में नेट लॉस्ट हो गया था, बट नाउ इट्स फाइन फ्रॉम माई एंड। यस, सभी बच्चे ट्राई करें, गुड, आप सभी ट्राई करें और आंसर जरूर पोस्ट करें अपना।
आप सब ट्राई करें और आंसर जरूर पोस्ट करें, क्या आंसर आता है आपका। आप सबका ये बन रहा होगा कि इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 24, इसका कितना था सल्फर का 32 और इसका कितना है 16, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, मैग्नीशियम का 24, और जब आप उनको डिवाइड करते हो रेशियो से तो 20 डिवाइड बाय 24, 26.6 डिवाइडेड बाय 32, 53. हाँ जी, यस प्लीज सर, मैग्नीशियम और सल्फर दोनों का 0.83 आ रहा है। ग्रेट ग्रेट, 0.8, सही गल है, 0.83 है, इट कम्स आउट टू बी 3.33। जिहड़ा सबसे छोटा है उसी ते सबनों डिवाइड कर दो, सबसे छोटा 83 है, सिंपलेस्ट रेशियो प्राणी सौखी रहेगी। 0.83 अपॉन में 0.83, 0.83 अपॉन में 0.83, सर n कम्स टू बी 1, या एग्जैक्टली 3.33 एंड 0.83 एंड कम्स आउट टू बी 1 1, एंड व्हाट अबाउट दिस एनीवन, व्हाट अबाउट दिस अप्रोक्सीमेटली 4, यस। सो व्हाट इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय द रेशियो, यू कैन से मैग्नीशियम सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, दिस इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय रेशियो, Mg रेशियो सल्फर रेशियो ऑक्सीजन 1:1:4, एंड फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला यू विल फाइंड एम्पेरिकल मास, एंड मैग्नीशियम का भरोगे 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16:4, एंड इट कम्स आउट टू बी 120, सो n विल बी मॉलिकुलर मास दैट इज ऑल्सो गिवन यू 120, दैट इज ऑल्सो 120 गिवन टू यू, this is 120, और अपॉन में क्या आएगा empirical mass, that is also 120, it comes out to be 1, means 1 से multiply करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो empirical formula आएगा वही molecular formula आएगा, so exact molecular formula कितना है इसका, that is 1 से multiply की तो no change in the composition, so it comes out to be MgSO4, I hope सभी को ये चीज clear होने लग गई कि ये चल क्या रहा है। तो मोल कंसेप्ट के बाद ये एक नया कंसेप्ट आपके लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला, और आप सब इसमें अब इससे फैमिलियर हो गए हैं। तो अब हम इसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद नेक्स्ट करने वाले हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ब्रीफ समझेंगे और कल इसको और डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला सभी को क्लियर है ना, येस और नो, प्लीज आप कमेंट में येस नो लिख सकते हैं अपनी ईमानदारी से, किसी के प्रेशर में नहीं। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज वो आउट ऑफ द क्लास पूछ ले, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अभी आपके जब पीरियोडिक टेस्ट होंगे दिस टॉपिक विल कम, इसके न्यूमेरिकल डेफिनेटली आएंगे, सो प्लीज कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, और प्रैक्टिस जरूर कर लें, जो भी आपके रेफरेंस बुक है वहां से सिग्निफिकेंट फिगर की प्रैक्टिस, फर्स्ट मोल कंसेप्ट की प्रैक्टिस, सेकेंड थर्ड इसकी एम्पिरिकल की, और मैं आपको चाहे तो क्वेश्चन भी भेज दूंगा, आप चाहे वहां से कर लेना, और वैसे भी कल छुट्टी है आपकी तो आप कल प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो कल आपकी गवर्नमेंट हॉलीडे है तो कल क्लास तो नहीं होगी, तो आप बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो जितने टॉपिक आपने किए हैं, बिकॉज ये सारे टॉपिक आपके लिए नए हैं, इट विल टेक सम टाइम, तो प्रैक्टिस जरूर करें। तो स्टोकियोमेट्री, एनीवन हु नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोकियोमेट्री, कोई बच्चा है जो स्टोकियोमेट्री बारे बताए की होती है, व्हाट इज इट, एनीवन, व्हाट इज स्टोकियोमेट्री, सर द कोएफिशिएंट्स, एग्जैक्टली कोएफिशिएंट्स, याद है, बिल्कुल सही। जब आप 10th क्लास में थे ना, आप एक चीज सीखी थी बैलेंसिंग, यू बैलेंस द इक्वेशंस, आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते थे, लाइक H2 प्लस 2O2 गिव रेस्ट टू 2H2O, तो जो वो 2 लगा होता ना, सॉरी 2H2 प्लस O2 गिव रेस्ट टू 2H2O, तो जो आगे नंबर्स लगाते हो 1, 2, 3, 4 व्हाटएवर, दीस आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड दिस इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्री। इस स्टोकियोमेट्री का हम यूज कहां करते हैं, कैलकुलेशन करने में, क्या कैलकुलेशन करने में, जैसे आपने देखा ना वॉल्यूम, कि अगर हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम कंज्यूम होगा तो ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम कंज्यूम होगा, तो बेसिकली जो स्टोकियोमेट्रिक होते हैं दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द गिवन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनाना है
प्लीज अपना स्पीकर ऑफ रखें, जिसके आसपास नॉइस है प्लीज अपना स्पीकर ऑफ रखें। अगर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, दीज कोफिशिएंट्स आर यूज्ड टू फाइंड द क्वांटिटी हाउ मच अमाउंट ऑफ इस गिवन कंपाउंड इज रिक्वायर्ड टू गिव द प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करना और मुझे प्लीज आंसर देने की कोशिश करना कि क्या आप वो देने में हेल्पफुल हो रहे। जैसे मान के चलो आपने एक रिएक्शन लिखी N2 प्लस H2, थ्री मोल्स ऑफ H2 गिव रेस्ट टू 2NH3। अब इसका कितने मोल यूज हो रहे हैं, इसका आगे कुछ नहीं तो वन है, मतलब इसका वन मोल यूज हो रहा है, इसके आगे थ्री लगा तो इसके थ्री मोल्स यूज हो रहे हैं, तो ये इसकी स्टोकियोमेट्रिक है, इसके आगे टू लगा तो इसके टू मोल्स हैं। और आपको पता है वन मोल का मतलब इसका गिवन मास उतना होगा जितना इसका एटॉमिक मास है, जितना इसका एटॉमिक मास है, मतलब एटॉमिक तो नहीं, N2 है तो मोलिकुलर बन, ये मोलिकुल बन चुके तो मोलर मास होगा, इसका मोलर मास आएगा 28। मतलब अगर हम इसका 28 ग्राम यूज करेंगे, अगर अगर नाइट्रोजन का गिवन मास 28 लेंगे और मोलर मास तो है इसका 28, तभी काट के वन आंसर आता है, तभी मोल आते हैं वन। इसी प्रकार नाइट्रोजन के तीन मोल कब आएंगे, जब इसका गिवन मास कितना होगा, थ्री इंटू इसका मोलर मास, मतलब इसका मोलर मास है टू, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ग्राम, मतलब हाइड्रोजन कितने ग्राम होगा, 6 ग्राम होगा गिवन मास। और इनके मिलने से अमोनिया कितना बनेगा, अमोनिया के टू मोल्स हैं, टू मोल्स मतलब इसका गिवन मास कितना होगा, टू मल्टीप्लाई मोलर मास 34, तो इतने ग्राम बनेंगे। अब बताओ क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है, आपने केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को रीड किया, क्या ये इसको फॉलो कर रहा है? यस सुखदेव, तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बात सुखदेव, क्लास में है सुखदेव? हाँ जी सर, क्लास में है। हाँ हाँ, यस यस, तो बताओ यस नो, हाँ कि ना, आहो कि ना। हाँ जी सर, लो कंजर्वेशन मास इज फॉलोड, यस यस, तो ये लो कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है। तो आपने ये कहाँ से किया, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से किया है, यस। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सबसे पहले स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालने का मतलब होता है बैलेंसिंग करना, पहले आप क्या करते हो उसको बैलेंसिंग करते हो, बैलेंसिंग करनी आपको 10th क्लास में सीख रखी है, तो उसके ऊपर तो ज्यादा गौर ना करते हुए फिर भी थोड़ी सी एक दे देता हूँ, छोटी सी एक प्रैक्टिस करने के लिए, जल्दी जल्दी करते ना, जल्दी जल्दी, क्योंकि आप सब बड़े हो तो आप जल्दी प्रैक्टिस करके मेरे को दे देते होगे आंसर। कौन सी दो सांसी, ये दे देता हूँ, चलो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये बैलेंसिंग मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता लगे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या हैं, और इजी है, एक ही दूंगा, सिर्फ एक ही दूंगा, तो फटाफट कर देना। MgOH होल ट्वाइस प्लस दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट है NS3, मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर गिव राइज टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NS3, फटाफट इसको बैलेंस करके बता दो। बैलेंस कैसे करोगे, बस आप मुझे बता देना कि Mg यहाँ पे आप क्या लगाओगे, बस ये है A जो आप यहाँ लगाओगे, ये है B, यहाँ पे लगाओगे C, जो भी होगी वैल्यू, और यहाँ पे लगाओगे D। तो आप कमेंट में ऐसे लिखना कि A की वैल्यू मेरी कितनी आती है, 1 आती है कि 2 आती है कि 3 आती है, जो भी आती है आपकी, ऐसे लिखना। पूरी इक्वेशन लिखने में आपको टाइम लग जाएगा, तो आप बता सकते हो कि मेरी ए की वैल्यू इतनी आ रही है, बी की वैल्यू इतनी आ रही है, सी कितनी आ रही है, ऐसे, ठीक है। ए का मतलब होगा जो आगे आप कोएफिशिएंट लगा रहे हो। आई होप सबको क्लियर होगा कि आपको करना क्या है, यू हैव टू गिव मी द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, जस्ट गिव मी द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इन द कमेंट सेशन। आप सभी कोशिश करें, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी बच्चे यस। जगजीवन, किरण, दीप, सही बच्चे ट्राई करें, मंजीत यस, प्रभजीत, प्रभप्रीत कौर, आप सभी ट्राई करें और प्लीज आंसर दें। यस A3B12, ओके, what about C and D? चलो एक बच्चे का ए बी तो आ गया, अब आप बी और सी, सी और डी भी फाइंड करें प्लीज। सही बच्चे अपना आंसर जरूर दें, सही या गलत कोई इशू नहीं, डिलीट करने की जरूरत नहीं, अगर आंसर गलत हो तो डिलीट करने की भी जरूरत नहीं है।
बाकी का आंसर क्या रहा है? मेरे हिसाब से आपका एक की वैल्यू 3 नहीं आनी चाहिए। प्लीज सभी बच्चे अपना आंसर जरूर पोस्ट करें, सही या गलत पोस्ट करें सभी बच्चे अपना आंसर। यस किरणदीप, आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, शाबाश शाबाश। प्रभजोत कौर, आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो ए है वो 1 है, सबका 1 आना चाहिए, और जो आपका बी है वो आपका 6 आना चाहिए, जो आपका सी है वो आपका 3 होना चाहिए, और जो आपका डी है वो 2 होना चाहिए। आई होप सभी के यही आंसर बनेंगे, यहाँ पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 3 था तो हमने सबसे पहले यहीं पे 3 कर दिया ताकि मैग्नीशियम बैलेंस हो जाए। जैसे ही मैग्नीशियम बैलेंस हुआ, नाइट्रोजन देखा यहाँ पे 2 है तो इसको बैलेंस कर दिया, 2 कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब बैलेंस करने सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 2 3 6, 3 2 6 6 6 12, तो 12 हो गए, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे 6 ही करने हैं ताकि 6 2 12 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 2 6 6 हैं, तो आपका सबका ये आंसर बन रहा होगा। देखो किसी का अगर आंसर गलत हो जाए तो कोई चक्कर नहीं, डिलीट चाहे ना भी करो, कोई इशू नहीं होता, ये इसका बैलेंस होगा। तो कहने का मतलब क्या है, आई होप सभी का यही आंसर आ रहा होगा। जगजीवन, एकम, सुखराज, बाकी बच्चों का भी आना चाहिए। तो बैलेंसिंग फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने, बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग बेसिकली आपको क्या बता देती है, बैलेंसिंग आपको दे देती है स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट मिल जाते हैं बैलेंसिंग से। स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट मींस जो आगे नंबर लगे होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कल हम पढ़ेंगे इस स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट से हम क्या निकालेंगे, मास क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी से कितनी क्वांटिटी बनेगी। मास क्वांटिटी ले लो या वॉल्यूम क्वांटिटी ले लो कि इतना रिएक्टेंट है इतना प्रोडक्ट बनेगा। ये चीजें आप कब निकाल पाओगे, जब आपके पास क्या दिया होगा, स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको स्टोक्योमेट्री में 3 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो बैलेंसिंग के बेस पे, बैलेंसिंग में आपको क्या करना होता है, सिर्फ स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट निकालने होते हैं। ये तो आप वैसे 10th क्लास में शुरू कर चुके थे लेकिन वो आसान था। नेक्स्ट क्या आता है, आपको मास क्वांटिटी निकालनी आती है, इतना आपका ये रिएक्टेंट है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, इतना ये वॉल्यूम में रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा है लिमिटिंग रिएजेंट, और याद रखना लिमिटिंग रिएजेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। पता है आपको लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो सकता है, अगर मैं आपसे आसान भाषा में पूछूं, यहाँ पे आपको 3 तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो जौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और उसके खत्म होते ही रिएक्शन वहीं रुक जाएगी, क्योंकि दोनों चाहिए, एक खत्म हो गया तो दूसरा जितना पड़ा है वो यूजलेस रहेगा, क्योंकि एक खत्म हो गया दूसरे पड़ेगा क्या करेंगे हम, जब वही नहीं है, दोनों का होना जरूरी था, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है।